हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के साथ भोलेनाथ की भोग वाली खीर की रेसिपी शेयर करेंगे। जो भोलेनाथ की सावन भोग लगती है वो वाली खीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 लीटर दूध ले लिए हैं। अब चलिए हम लोग खीर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ दूध में उबाल आनी शुरू हो गई है। तो हमने यहाँ पे गोविंद भोग चावल धो के रख लिया था, उसे डाल देंगे दूध में और एक बार चला लेंगे। दूध हमारी पूरी गाढ़ी रहेगी, हम लोग 1 कप के हिसाब से पानी डालेंगे, वरना पूरी प्योर दूध रहेगी। और इसे चलाएंगे। देखिए हमारी खीर में उबाल आनी शुरू हो गई है। तो इसे चलाते रहेंगे हम ऐसे। तो देखिए यहाँ पे चावल हमारी टूटने लगी है, दूध भी जल के आधी हो गई है। फिर ऐसे चलाते रहेंगे। देखिए खीर कितनी गाढ़ी हो गई है। देखिए चावल भी हल्की हमारी टूट गई है। अब यहाँ पे हम तेज पत्ता डालेंगे और फिर इसे चला लेंगे। खीर के 50% हो जाने के बाद तेज पत्ता डालेंगे। यहाँ इलायची को हमने हल्का चपटा कर लिया था ताकि इलायची के फ्लेवर खीर में अच्छे से घुल पाए। और फिर इसे मिला लेंगे खीर में। देखिए खीर की कलर हमारी कितनी अच्छी खिल के आई है, एकदम प्योर दूध वाली खीर बनेगी ये। अब भोलेनाथ की भोग वाली खीर है तो प्योर दूध में ही बनेगी ना, तो वैसे ही बनाएंगे। देखिए खीर हमारी रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। खीर के लास्ट स्टेज में चीनी डालते हैं वरना दूध फट जाएगी, इसलिए हमारी खीर रेडी हो गई। तब हमने खीर डाला और 2 मिनट के लिए गैस पे पकाएंगे ताकि चीनी वाली स्मेल ना रहे, अच्छे से चीनी वाली स्मेल पक जाए। तो चीनी खीर में अच्छे से घुल गई है। अब एक बार इसे बढ़िया से चला लेते हैं। तो देखिए हमने खीर को चला लिया है। अब हम यहाँ पे नारियल डालेंगे। नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया है और इसे खीर में बराबर से मिला देंगे। और हमने यहाँ पे थोड़े से किशमिश लिए हैं, इसे भी हम खीर में मिला लेंगे। देखिए कितनी गाढ़ी थिकनेस वाली भगवान जी की भोग वाली खीर बन के रेडी हुई है। तो देखिए हमने सारे सामान डाल के खीर को बहुत अच्छे से मिला के खीर रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ तो खीर हमारी बन चुकी है। अब हम यहाँ पे गैस फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ढक देंगे। तो हमारी यहाँ पे भगवान जी की भोग वाली खीर बन के रेडी हो गई है, एकदम प्योर दूध वाली भोलेनाथ की भोग वाली खीर बन गई है। तो यहाँ रेडी हो गई है हमारी सावन वाली भोलेनाथ की भोग वाली खीर। तो अगर ये भोग वाली खीर की रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।